मीरपुर खास से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ शाहिद मेमन। इंसानियत की खिदमत एक बड़ी इबादत है, इन ख्यालात का इजहार गवर्नर रोटरी पाकिस्तान डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला ने किया। ऑल शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से चैरिटी अल हसन मेडिकल क्लिनिक के इफ्तिताह के मौके पर रोटरी पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट अपनी बसात से बढ़कर काम कर रहा है। उन्होंने कोरोना लॉकडाउन में राशन से लेकर सेहत तक मामलात में मुस्तक लोगों की दिल खोल कर खिदमत की और तूफानी बरसातों में मुतासरा लोगों में खाना पकाकर तकसीम किया। इसके अलावा अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फरहान मलिक की काविशों को सराहते हुए ऐलान करता हूँ, अगर अल अशरफ ट्रस्ट हमारे साथ काम करे तो मैं 60 लाख तक के फंड अल अशरफ ट्रस्ट को इंसानी खिदमत के लिए दूंगा। अगर ये प्रोजेक्ट जो है डॉक्टर फरहान की तरफ, डॉक्टर फरहान मैंने इनसे कमिट किया है कि अगर ये प्रोजेक्ट को रोटरी इंटरनेशनल से रजिस्टर कराएंगे तो मैं कम से कम 60 लाख रुपए इनको रोटरी इंटरनेशनल से अरेंज करके दूंगा। और इसका मकसद ये कि यहाँ पे लोगों का फ्री इलाज हो सके, इनके पास नहीं और भी। हमने फ्लड रिलीफ एक्टिविटी में सिंध में सारे रोटेरियंस ने अपने पैसे जमा करके तकरीबन 18 करोड़ रुपए का सामान, राशन, नेट्स, मस्कीटो नेट्स, फीमेल हाइजीन किट्स, कंबल और बहुत सारा काम जो है वो किया। तो हम समझते हैं कि रोटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुल्क की खिदमत करने का एक जरियाकार है। बहुत सारे ममालिक हमारे साथ के ममालिक जो है वो 100 से ज़्यादा डैम बना चुके हैं इसके फंड्स को यूटिलाइज करके। ये फंड जो है रोटेरियंस के अपने होते हैं, कोई मांगे हुए नहीं होते, वो जमा होते हैं।